Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Real analysis में हम Riemann integration के बारे में पढ़ रहे थे. कुछ दो तीन lectures हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें हमने upper Riemann sum और lower Riemann sum के बारे में पढ़ा था और कुछ theorems मैं आपको करा चुका हूँ. कुछ definitions हमने कर ली थी. आज का जो वीडियो बेस्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ये वीडियो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम अब रीमैन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो आज रीमैन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन मैं बताऊंगा. रीमैन इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं. वो थ्योरम्स मैं आज ना लेकर के अगले वीडियो से वो थ्योरम्स मैं लूंगा. पहले हम अपर सम, लोअर सम और रीमैन इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो पहले डेफिनेशन और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स आज करेंगे. डेफिनेशन देखिए, ये सारी डेफिनेशन आपको तभी समझ पाएंगे जब आपको पार्टीशन पता हो, आपको रिफाइनमेंट पता हो और आपको अपर सम और लोअर सम, इनफिमम सुप्रीमम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं. तो वो पार्टीशन, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अब डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. लोअर आर इंटीग्रेशन और अपर आर इंटीग्रेशन क्या है, एलपीएफ हमने निकाला था. एलपीएफ क्या था, एक क्लोज्ड इंटरवल हमको दिया था, इसका हमने एक पार्टीशन किया था पी. और ये पार्टीशन में हमने क्या किया था, हर एक इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम और सुप्रीमम वैल्यू निकाली थी. इन्फिमम को हमने यहाँ एम वन लिया था पहले इंटरवल में और कैपिटल एम वन था. ऐसे आर एथ इंटरवल में क्या था, स्मॉल एम आर क्या था, इन्फिमम और ये क्या था, सुप्रीमम. ऐसे यहाँ पे इन्फिमम क्या था, एम एन, और सुप्रीमम क्या था, एम एन. और फिर हमने क्या किया था, ये जो पहला सब इंटरवल था इसकी लेंथ को इससे मल्टीप्लाई किया, दूसरे की लेंथ को दूसरे की इन्फिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इन सबको ऐड किया था. तो वो जो एम आर डेल एक्स आर, आर इक्वल टू वन टू एन था, इसी को हमने क्या बोला था, लोअर रिमेन सम. और अपर रिमेन सम में क्या था, यूपीएफ से रिप्रेजेंट किया था इसको हमने. इसमें यहाँ पे स्मॉल एम आर की जगह पे कैपिटल एम आर आ गया था. तो ये जो एलपीएफ हम निकालेंगे, एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के बहुत सारे पार्टीशन होंगे, और बहुत सारे पार्टीशन अगर होंगे तो हर एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आपको लोअर सम मिलेगा और हर एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आपको अपर सम मिलेगा. तो जितने लोअर सम आ रहे हैं उन लोअर सम का सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड. जितने आपने ए कॉमा बी के सारे पार्टीशन किए उन पार्टीशन का जो जो एलपीएफ हर एक पार्टीशन का निकल के आएगा, उन सारे पार्टीशन की सबसे जो सुप्रीमम वैल्यू होगी या लीस्ट अपर बाउंड हम कहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, लोअर आर इंटीग्रेशन. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो बार मैंने लगाया ये माइनस का साइन नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोअर आर इंटीग्रेशन है. लोअर में नीचे के साइड बार लगेगा और अपर इंटीग्रेशन में ऊपर बार लगेगा. ये लोअर आर इंटीग्रेशन हो गया और अपर आर इंटीग्रेशन. अपर आर इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपने क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का एक पार्टीशन किया और उसका यूपीएफ निकाला. हर एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के बहुत सारे पार्टीशन होंगे, हर एक पार्टीशन का आपने यूपीएफ निकाला और वो जो यूपीएफ निकल के आएगा उस यूपीएफ का आपको क्या निकालना है, इन्फिमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालनी है. तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के जितने पार्टीशन पॉसिबल हैं उन सारे पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग सारे यूपीएफ निकालने हैं, और उन सारे यूपीएफ में जो इन्फिमम वैल्यू होगी यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर आर इंटीग्रल. और अपर आर इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बार ऊपर आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स. अब बात करते हैं कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल कब होगा या कोई भी फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल कब होगा. जब किसी फंक्शन का आपने लोअर इंटीग्रेशन निकाला, अपर इंटीग्रेशन निकाला, और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, अपर इंटीग्रेशन और लोअर इंटीग्रेशन अगर दोनों इक्वल आ गए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल हो जाएगा. और उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी. इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, आर इंटीग्रेबल. कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल कब होगा, जब उसका लोअर इंटीग्रेशन, लोअर आर इंटीग्रेशन और अपर आर इंटीग्रेशन अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल. ये कुछ कुछ उसी तरीके का है जैसे आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हुए. डिफरेंशियबिलिटी में क्या था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तो हम बोलते थे कि फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल, सॉरी डिफरेंशियबल है. और डिफरेंशियबल होता था तभी जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती थी. यहाँ भी ऐसे ही होगा कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन या आर इंटीग्रेबल वो तभी होगा
जब उसका लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लोअर इंटीग्रेशन क्या है, जितने भी पार्टीशन है उनका एलपीएफ का सुप्रीमम जो है वो लोअर इंटीग्रेशन है, और जितने पार्टीशन है उनके यूपीएफ का इन्फिमम जो है वो अपर आर इंटीग्रेशन है, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे। इसमें जो कंडीशंस आपको याद रखनी है वो ये है, एक तो ये वाली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो आर इंटीग्रेबल वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं उस केस में जो फंक्शन एफ होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या है, उसकी अपर बाउंड भी होनी चाहिए और लोअर बाउंड भी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो फंक्शन आप ले रहे हैं ये क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, ओपन इंटरवल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो तीन कंडीशन है आर इंटीग्रेबल के लिए जो आपको याद रखनी है, कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और दूसरा फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। तो ये अपर इंटीग्रेशन, लोअर इंटीग्रेशन और आर इंटीग्रेबल है, डेफिनेशन भी आप इसके प्रिपेयर कर लें और कंसेप्ट भी क्लियर कर लें, क्योंकि आगे इस पर बेस्ड अब हम क्योंकि मैंने लोअर सम और अपर सम पे बेस न्यूमेरिकल्स भी नहीं करवाए थे, तो पहले हम न्यूमेरिकल अपर सम लोअर सम का कर लेते हैं और उसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल आर इंटीग्रेबल के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एलपीएफ और यूपीएफ पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हुए हैं। पहले अपर सम और लोअर सम हम निकालते हैं, दोनों न्यूमेरिकल को वन बाय वन में करवा रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल को आप देखिए, इसमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1, क्लोज इंटरवल है, बाउंडेड है। यहाँ पे पार्टीशन क्या दिया हुआ है, पार्टीशन P इज इक्वल टू क्या है, 0, 1/3, 2/3, 1। ये किसका पार्टीशन है, इसी क्लोज इंटरवल का। आप देखिए इसी क्लोज इंटरवल के बीच की सारी वैल्यूज हैं ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 1। अगर हम बात करें जो पार्टीशन हम वहां करते थे, ये वाला पहला सब इंटरवल हो गया, दूसरा सब इंटरवल हो गया, तीसरा सब इंटरवल हो गया। तो आई वन कितना हो गया, 0, 1/3। आई टू कितना हो गया, 1/3, 2/3। और आई थ्री कितना हो गया, 2/3, 1। ये तीन सब इंटरवल हैं, इन तीनों सब इंटरवल की लेंथ निकाल लेते हैं। डेल एक्स वन कितना हो जाएगा, 1/3 - 0 यानी कि 1/3। डेल एक्स टू 2/3 - 1/3 ये भी कितना हो गया, 1/3। डेल एक्स थ्री 1 - 2/3 ये भी कितना हो गया, 1/3। सिंपल है, आपको सारे सब इंटरवल की लेंथ निकालनी है और आपको क्या निकालनी थी, सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू। तो एम वन इसकी क्या हुई, इन्फिमम वैल्यू, एम टू इसकी इन्फिमम, एम थ्री इसकी इन्फिमम। का मतलब यह था सारी छोटी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये जो 0 और 1/3 है उसको ध्यान से समझिएगा, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो 0 और 1/3 जो आपका ये इंटरवल था, ये था 0, 1 और इसके बीच में क्या गया है, 1/3, 2/3। इस वाले सब इंटरवल में देखिए आप, 0 और 1/3 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू फंक्शन में रखी जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू आ जाए इस पूरे सब इंटरवल में, तो वो इटसेल्फ क्या होगी, 0। इस वाले सब इंटरवल में फंक्शन में कौन सी वैल्यू रखी जाए x में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स में, कि सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, 1/3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2/3। और कैपिटल एम वन क्या हो गया, इसके सुप्रीमम, एम टू और एम थ्री। इस सब इंटरवल में, आई वन वाले सब इंटरवल में 0 और 1/3 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स में कि सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिले, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, 1/3 रखने पर आएगा सबसे बड़ा, यहाँ 2/3 रखने पे आएगा और यहाँ 1 रखने पे आएगा। बस ये वैल्यूज ही मेन थी यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, यूपीएफ पे निकालना है, एलपीएफ पे निकालना है। एलपीएफ क्या होता है, जितनी इन्फिमम वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को उसके सब इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता है, एक्स टू और एम थ्री डेल एक्स थ्री। एम वन कितना है, 0 × 1/3 प्लस एम टू कितना है, 1/3 इंटू डेल एक्स टू कितना है, वो भी 1/3 है, और एम थ्री कितना है, 2/3, और इसकी लेंथ कितनी है, 1/3। तो ये तो 0 हो गया, 1/9 प्लस 2/9 कितना हो जाएगा, 3/9 यानी कि 1/3। ये हो गया आपका एलपीएफ की वैल्यू। और यूपीएफ कितना हो जाएगा, एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू प्लस एम थ्री डेल एक्स थ्री। एम वन कितना है, 1/3 × 1/3 1/9
टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री कितना हो जाएगा, टू बाई नाइन, और वन इंटू वन बाई थ्री कितना आ जाएगा, ये थ्री बाई नाइन, यानी कि वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का अपर सम की वैल्यू कितनी हो गई, टू बाई थ्री, और पहले वाले क्वेश्चन के लोअर सम की वैल्यू कितनी हो गई, वन बाई थ्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपर सम और लोअर सम वाले। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन क्लोज इंटरवल है। पार्टीशन की क्या दिया हुआ है आपको, जीरो, वन बाय फोर, टू बाय थ्री, थ्री बाय फोर और वन। तो आई वन कितना हो गया, क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा वन बाय फोर। आई टू कितना हो गया, सॉरी टू बाई फोर है, वन बाई फोर कॉमा टू बाई फोर। आई थ्री कितना हो गया, टू बाई फोर कॉमा थ्री बाई फोर, और आई फोर हो गया आपका थ्री बाई फोर कॉमा वन। डेल एक्स वन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इससे इसको माइनस करके वन बाई फोर। डेल एक्स टू इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वन बाई फोर। डेल एक्स थ्री इसकी लेंथ हो जाएगी वन बाई फोर। डेल एक्स फोर ये भी हो जाएगा वन बाई फोर। एम वन, एम वन आप इसको ध्यान से समझिए, जीरो, वन बाई फोर, टू बाई फोर, थ्री बाई फोर और वन। इस वाले सब इंटरवल में जीरो और वन बाई फोर के बीच में इन सारी वैल्यूज को, जीरो और वन बाई फोर तक के सारी वैल्यूज को अगर हम यहां रखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी आपको। देखिए वन बाई फोर का मतलब है जीरो पॉइंट टू फाइव, और जीरो पॉइंट कोई भी वैल्यू जीरो पॉइंट समथिंग अगर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए इसको, जो फंक्शन है उस फंक्शन को ध्यान से देखिए आप, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो ये इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यूज आपको निकालनी है, स्मॉल एम और कैपिटल एम वाली वैल्यूज आपको निकालनी है। सो ये जो स्मॉल एम वन है, जीरो और वन बाई फोर के बीच में सारी वैल्यूज हमको रखनी है, और उनकी क्या निकालनी है, हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, जब हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर आएगा यहाँ पे जीरो। एम टू इस इंटरवल में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी, जब वन बाई फोर हम यहाँ रखेंगे तो वन बाई फोर का स्क्वायर कितना हो गया, वन बाई सिक्सटीन। ऐसे एम थ्री निकालते हैं, ये होगा फोर बाई सिक्सटीन, और एम फोर हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन। और कैपिटल एम वन क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर वन बाई सिक्सटीन। अगर यहाँ क्यूब होगा तो क्यूब कर देंगे, पावर फोर होगी तो पावर फोर कर देंगे। एम टू कितना हो गया, एम टू हो गया आपका फोर बाई सिक्सटीन। एम थ्री हो गया आपका नाइन बाई सिक्सटीन, और एम फोर हो गया आपका वन का स्क्वायर यानी कि वन। इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है, स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यूज निकालनी है, और उसके बाद आपको उसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देना है एलपीएफ और यूपीएफ का, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। तो उसके आगे आप इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे तो एलपीएफ, और ऐसे आप यूपीएफ निकाल लें। तो आगे आप सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा। तो ये जैसे अपर सम लोअर सम निकालना मैंने आपको न्यूमेरिकली बताया, अब हम एक न्यूमेरिकल आर इंटीग्रेशन का भी सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो से हम लेंगे आर इंटीग्रेबल के। तो आपको क्या दिया हुआ है, एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बाय एफ एक्स इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन को आपको क्या प्रूव करना है कि वो फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा। और कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल कब होता है, जब उसका लोअर इंटीग्रेशन और अपर आर इंटीग्रेशन दोनों इक्वल आए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, इसका एक पार्टीशन हमको लेना पड़ेगा। लेट P इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स वन से लेकर के एक्स आर माइनस वन, एक्स आर से लेकर के एक्स एन, और एक्स एन क्या होगा, B, B a partition of F on closed interval a comma B। ये हमने partition लिया हुआ है इसका, इसके जो आरएथ इंटरवल है, आरएथ इंटरवल क्या आ रहा है, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, आरएथ इंटरवल पे ही फोकस करता है, और एम आर इज
इंटरवल में हम इसकी क्या मान लेते हैं इन्फीम वैल्यू, और कैपिटल एम आर क्या मान लेते हैं सुप्रीमम वैल्यू। अब बात करें इन्फीम वैल्यू, इन्फीम वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस इंटरवल में, इस आई आर इंटरवल में इस फंक्शन एफ एक्स क्या है के, इस फंक्शन एफ एक्स की सबसे छोटी वैल्यू। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या है के, एफ एक्स इक्वल टू के है या एफ एक्स इक्वल टू हम थोड़ी देर के लिए टू मान लें, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, एफ एक्स इक्वल टू के है तो इस इंटरवल में एक्स की कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो आंसर आपका चेंज नहीं होना है। तो आपको इस केस में एम आर, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर दोनों क्या मिल रहे हैं के, क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्स्टेंट है। अब हम क्या निकालते हैं एल पी एफ, एल पी एफ का फॉर्मूला क्या था, समेशन एम आर डेल एक्स आर, आर इक्वल टू वन टू एन, और ये आर इक्वल टू वन टू एन एम आर डेल एक्स आर क्या है एक्स आर माइनस वन, स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है के, के बाहर आ जाएगा और यहाँ वैल्यू लगते हैं, ये क्या होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, वन बाई वन वैल्यूज रखते रहते हैं इसमें और ऐसे करते करते एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ दो वैल्यूज बचेंगी, ये हमने पहले भी किया था के एक्स एन माइनस एक्स नॉट, तो ये हो गया के एक्स एन, एक्स एन कितना है एक्स एन ए बी, एक्स नॉट कितना है ए, तो एल पी एफ की वैल्यू भी आ गई के बी माइनस ए। अब आपको क्या निकालना है इसका लोअर आर इंटीग्रेशन, तो लोअर आर इंटीग्रेशन के लिए ये पहले हम यूपीएफ निकाल लेते हैं, यूपीएफ क्या है एम आर डेल एक्स आर, आर इक्वल टू वन टू एन और कैपिटल एम आर की वैल्यू भी के है और ये डेल एक्स आर हो गया आर इक्वल टू वन टू एन, ये डेल एक्स आर अभी हमने निकाला था यहाँ पे पूरा सॉल्व करके, तो ये कितना आ रहा था बी माइनस ए, तो ये भी कितना हो गया के बी माइनस ए अपर सम की वैल्यू। अब हम निकालते हैं लोअर इंटीग्रेशन और अपर आर इंटीग्रेशन, लोअर आर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या था, जितने ये एल पी एफ है और P क्या है एक पार्टीशन है A कॉमा B का, इस पार्टीशन की सुप्रीमम वैल्यू हमको निकालनी थी। अब LPF जो हम निकाल रहे हैं ये LPF देखिए अभी पहले से ऑलरेडी कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट अगर है तो इसका मतलब फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो इस केस में सुप्रीमम ऑफ K B माइनस A, देखिए आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम ऐसे करेंगे जिसमें जो पार्टीशन करा हमने, पार्टीशन करने के बाद एलपीएफ निकाला और एलपीएफ निकालने के बाद यहाँ एन के टर्म्स में आएगा, तो उस केस में जब ये सुप्रीमम ऑफ यहाँ कोई भी टर्म एन के टर्म्स में आ रहा है तो आप लास्ट में क्या करेंगे उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब जाकर के आपको इसका लोअर इंटीग्रेशन मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस केस में पहले से ऑलरेडी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू पर सुप्रीमम निकालेंगे तो फिर से ये कितना आना है, ये आएगा के बी माइनस है। ऐसे अपर इंटीग्रेशन हम निकाले एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है इन्फीमम ऑफ यू पी एफ पी बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए कॉमी। अब आप देखिए ये यूपीएफ हमने निकाला था तो ये है के बी माइनस ए और इसका हमको क्या निकालना है इन्फीमम। देखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म में, किसी भी फिक्स्ड वैल्यू में अगर आप इन्फीमम निकाल रहे हैं या सुप्रीमम निकाल रहे हैं, पहले से अगर वो कांस्टेंट है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है तो आपको इन्फीमम भी वही मिलने वाला है, सुप्रीमम भी वही मिलने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे एन के टर्म्स में आएगा तो आपको क्या लगानी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी, जो आगे के न्यूमेरिकल्स हम अप्लाई करेंगे जब फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो इसका इन्फीमम भी यही हो जाएगा के बी माइनस ए। तो आप देखिए दोनों अपर इंटीग्रेशन और लोअर इंटीग्रेशन दोनों इक्वल आ रहे हैं और वो दोनों क्या आ रहे हैं के बी माइनस ए, इसका मतलब एफ क्या हो गया आर इंटीग्रेबल हो गया, और अगर फंक्शन आर इंटीग्रेबल हो जाए तो इसका मतलब उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी के बी माइनस ए। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, फंक्शन क्या था
एफ एक्स क्या था के डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो एक्स आएगा, और लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, के बी माइनस ए ये आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल था, आर इंटीग्रेबल के बेस एक न्यूमेरिकल हमने किया, और अपर सम लोअर सम हमने देखा। इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए, कंसेप्ट आर इंटीग्रेशन को और क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं इसके अगले वीडियो में भी लेकर के आऊँगा। तो उस वीडियो तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कंसेप्ट अपने क्लियर करते रहें।